कैमरा जो मूव करे दी, झूला खाए दी। बहरहाल दरवाजो, मेहरबानी। शादी वञूं था, कहिड़ा दुख सूर रहूं, छा कयूं। पैरेलल फ्लो पढ़ा रहा था। वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ भाई, मैं पढ़ा रहा था कि हेलो काउंटर करंट। मैं कह रहा था, ये पार्ट टू है ना, मैं कह रहा था अगर जो ब्लड है इधर से नीचे आती, इसके साथ नीचे आती, ऐसे डायरेक्शन होता। वैसे है नहीं, है कैसा ऐसा डायरेक्शन है। ऐसा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। सपोज करें ऐसे होता, क्या ये मेड्यूला है? मेड्यूला हाइपर है। अगर ब्लड यूं नीचे आती तो यहां से जो पानी निकलता वो लेती। हाँ लेती लेती, क्योंकि हाइपर आ रही है इधर से, हाइपर आ रही है, लेती पानी, थोड़ा लेती, रीअब्सॉर्प्शन पानी की थोड़ा हो थोड़ी होती। क्यों सुनिए, क्या मौसम गलत से जियो जा, कुछ थोड़ी होती। बिलावल वाली उर्दू आ चौंदो जी। हाँ बारिश आता है तो पानी आता है, इस्लामाबाद ऐसा है और कराची ऐसा है। हाँ सुने भाई, मैं कह रहा था कि अगर देखें ये ब्लड क्या है, हाइपर है हाइपो है। अगर इधर से आएगी तो ज्यादा हाइपर होके आएगी तो ज्यादा पानी लेके जाएगी। क्यों इधर से हाइपर आएगी, इसके सॉल्यूट भी ले लेगी, बड़ा पावरफुल हाइपर हो जाएगी। जितना ज्यादा हाइपर बनेगी तो मेडुला से भी हाइपर बन जाएगी ना, ज्यादा मेडुला से पानी ले पाएगी। अगर सीधा ये साल्ट ना ले ले, इसके कौन से साल्ट, NaCl और पोटेशियम भी, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम, एक सोडियम एक क्लोरीन दो पोटेशियम, या एक सोडियम एक पोटेशियम दो क्लोरीन, ऐसे बुक में लिखा हुआ है, देख लें। इकट्ठे ट्रांसपोर्ट होते हैं एक ही चैनल से। वो जो प्रोटीन होती है जो सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम को पंप करती है, इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। को ट्रांसपोर्टर क्यों, कोवर्कर मतलब एक साथ काम करने वाले, है ना, को ट्रांसपोर्टर एक साथ ट्रांसपोर्ट करने वाली, एक एक को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही, ओनली सोडियम को नहीं कर रही, सोडियम के साथ पोटेशियम को भी और दो क्लोरीन को भी, एक सोडियम एक पोटेशियम और दो दो क्लोरीन होते हैं। हाँ चलो, तो ये कहाँ जाएंगे, पहले मेडुला में, देन ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड क्या बन गई, हाइपर थी और हाइपर बन गई। तो जब इधर से आएगी तो पानी इस ब्लड में तेजी से जाएगा मेडुला वाला या नहीं, मतलब ज्यादा जाएगा। और अगर ये ब्लड इधर नहीं जाती, सीधा इधर आती, तो जितनी हाइपर थी उतनी ही रहती, तो पानी थोड़ा ले लेती। समझ आ रही है, चलो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेती इधर तक, और इधर से साल्ट ले भी ले, साल्ट ले भी ले,
तो वो शॉट लेकर चली जाएगी। ब्लड में कमी रहती पानी की, यूरिन ज्यादा बनता, पानी ज्यादा पीना पड़ता। समझ आ रही है? अभी 24 घंटे में 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन बन रहा है, फिर 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 लीटर यूरिन करना पड़ता। समझ आ रही है ना? तो अपोजिट फ्लो का फायदा हुआ। मजे की बात तो अभी बता रहा हूँ ना, मजे की बात अभी बता रहा हूँ। ये ब्लड वेसल नीचे जा रही है, और ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये दोनों सपोज करें नीचे जा रही हैं। वैसे ब्लड वेसल अपोजिट है, सपोज करें नीचे जा रही हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेट है डिसेंडिंग लिम्ब में, और यहाँ पे ब्लड है। ये ब्लड और फिल्ट्रेट आमने, फिल्ट्रेट भी नीचे जा रहा है, ब्लड भी, सेम फिल्ट्रेट सेम ब्लड एक दूसरे के साथ साथ नीचे जाएंगे। समझ आ रही है? तो कोई नई ब्लड नए फिल्ट्रेट के सामने नहीं आएगी। और अगर उल्टा है तो क्या हो रहा है? नई फिल्ट्रेट नए ब्लड के साथ आमने सामने हो रही है। तो मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन इसके अकॉर्डिंग भी होती है। अगर फिल्ट्रेट भी ऐसे नीचे आ रहा है और ब्लड भी नीचे, तो यहाँ तक रिएब्जॉर्प्शन करते फिल्ट्रेट ने ब्लड को कुछ दिया। अब हो गया क्या? ऐसो ब्लड साथ साथ जाएगी, कहेगी नहीं दो पानी ना दो, बस क्यों भाई ना, एक जैसे बन गए, साथ चल रहे हैं, साथ दोनों जाते, पूरी जर्नी गुजर जाती, पानी रिएब्जॉर्ब ओनली जो इनिशियल स्टेज में इधर हुआ वो होगा बस। तो उल्टा डायरेक्शन का फायदा ये है, थ्रू आउट द जर्नी पानी की रिएब्जॉर्बेशन होगी। वेरी गुड। सुने भाई, तो जो काउंटर करंट फ्लो है, एक काउंटर करंट फ्लो है वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब का नेफ्रॉन के असेंडिंग लिम्ब के साथ, एक है वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब का इसके साथ नेफ्रॉन के, क्लियर है? यहां से पानी निकला कहाँ गया? नेफ्रॉन के डिसेंडिंग लिम्ब से पानी निकला कहाँ पे आ गया? पहले मेड्यूला में, मेड्यूला क्या बन गया? अभी यहाँ पे ब्लड आई, बुक में एक बड़ी मजेदार लाइन लिखी हुई है, ब्लड जैसे वासा रेक्टा इंटर होती है मेड्यूला में, उसको खतरा होता है पानी के लाश का। ये बात समझाएं क्यों? मेडुला, ये भी तो बताएं क्यों आए पर है। अब ये ना कहना ड्यू टू द यूरिया एंड सोडियम, ये नहीं कहना आपने, ये कहना है कि इस लिंब ने यहाँ पे साल्ट इकट्ठे कर लिए हैं। समझ आ रही है बात? कौन से? ये वाले। तो जैसे ब्लड एंटर हुई, ब्लड आए पर तो थी, मगर मेडुला उससे ज्यादा हाइपर था। क्यों? क्योंकि मेडुला जितना हाइपर था उसके बाद ज्यादा हाइपर हुआ। किसने हाइपर किया मेडुला को? असेंडिंग लिम्ब ने सोडियम क्लोरीन एंड पोटेशियम देकर। तो ब्लड का पानी क्या होने लगा? अगर ये लॉस चलता रहा तो ब्लड जो पानी लेने आई थी वो दे के जाएगी। ये ब्लड ने कोई डिसीजन लिया, कौन सा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम द मेड्यूला, जो कहाँ से आए हैं? मतलब कुल मिला के अगर कहूं कि इसके साल्ट ब्लड में जाएंगे, मगर पहले तो मेड्यूला में जाएंगे ना। तो जब मेड्यूला में जा रहे हैं और ब्लड आ रही है, तो वो पानी ले रहे हैं ब्लड के। अब बुक में ये लिखा हुआ है कि इंटरस्टिशियम में आयंस ज्यादा हैं। इंटरस्टिशियल सेल मतलब मेड्यूला के यहाँ वाले सेल,
ये सारे नेडुला के सेल्स को क्या कहा जा रहा है, इंडस्ट्री से मतलब सेल्स के भी किसके, अगर नेडुला है तो नेडुला को बात करेगा ना, लिखा नहीं है नेडुला, समझना है हमें। ये इंटरस्टिशियम किसके की बात कर रहा है, तो मेडुला के इंटरस्टिशियम में ब्लड का पानी लॉस हो रहा है क्योंकि इंटरस्टिशियम में आयन ज्यादा है। कहाँ से आ गए भाई, असेंडिंग से आ गए। तो ब्लड ने उसको ओवरकम करने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या किया, साल्ट को एक्टिवली यूं यूं ये देख लें, ये साल्ट यहाँ से सारे गए, कहाँ गए, ये गए, सफाई हो गई। कौन ले गया भाई साल्ट, ब्लड में सारे साल्ट, तो ब्लड बन गई क्या, मेडुला क्या बन गया, तो मेडुला वाला पानी पीछे पीछे मेडुला हाइपो बन गया, तो मेडुला वाला पानी ब्लड के पीछे रीएब्जॉर्प्शन, साल्ट की तो हुई पानी की डिस्चार्ज, समझ आ रही है बात। तो ये जैसे नीचे आती जाएगी साल्ट क्या करती जाएगी, लेती जाएगी, तो पानी भी पीछे पीछे, तो जितना नीचे आएगी उतने साल्ट लेती आएगी, तो उतना पानी इसके पीछे आएगा, तो जब मेडुला से गुजरती जाएगी, मेडुला का ऑलमोस्ट पानी इसके अंदर भागता दौड़ता 220 स्पीड से जाएगा और ये सारा पानी लेके जाएगी। साल्ट भी रीअब्सॉर्ब हो गए, पानी भी हो गया, ये अपोजिट फ्लो की वजह से हुआ। अगर अपोजिट फ्लो ना होता तो सारा पानी हमारा ब्लड वाला किडनी के अंदर, और किडनी दे देती यूरिन को, लो भाई, तो यूरिन ज्यादा या किडनी फट जाती या यूरिन ज्यादा होता। अगर किडनी यूरिन को नहीं देती तो किडनी फटती, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब नेफ्रॉन के बीच किडनी के अंदर पानी बढ़ गया, मगर नहीं होती हाइड्रोनेफ्रोसिस हमारे अंदर, समझ आ रही है। ओ छोकरा हो, फर्स्ट ईयर वाला हो, दरवाजा दिसी खोले खोले वाया आ गया, सऊद भाई के मन तकली बजे आंदवानी छा के हैं, सऊद नालो दो ना, कुंडी लग रहा है जेते या बंद करे सर, जेते को बाहर मेरे अंदर ना रखे, मैं घणो तालो भी ना, मगर बाहर आ लगा। हाँ भाई ये बात समझ आई, फ्लो वाली, तो फ्लो अपोजिट क्यों चाहिए, मैक्सिमम अगर फ्लो अपोजिट होता मगर ग्रेडियंट ना होता तो अपोजिट फ्लो का क्या काम, फ्लो भी अच्छा काम तब करेगा जब ग्रेडियंट बनाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं था तो पानी लॉस हो रहा था ना, जब ग्रेडियंट बनाया तो पानी पीछे लगा ब्लड के, समझ आ रही है। तो दोनों चाहिए, काउंटर करंट फ्लो भी और ग्रेडियंट भी, ग्रेड मतलब कंसंट्रेशन वाला मतलब मल्टीप्लायर, दोनों चाहिए। चलो जी बुक दो, तुम्हारी रीडिंग करे उठा। रिदम टूटी वही, मजो ना आयो, गालियों कुछ छट गई वही, बुदो बुदो, कौन सा हार्मोन है जो किडनी से प्रोड्यूस होगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, रेनिन, थर्ड फोर्थ चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन में बड़ी डिटेल से का सारा सिस्टम पढ़ाऊंगा, राफ रेनिन, रेनिन मैं पढ़ाऊंगा, छोड़ दें इसको। दूसरा हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन, बस सुन लें, एरिथ्रो एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोएटिन मतलब प्रोडक्शन करने वाला, आरबीसी की प्रोडक्शन करवाने वाला हार्मोन भी बनता है किडनी के कॉर्टेक्स से, किडनी के कॉर्टेक्स से बन के जाता है कि भाई आरबीसी कम है बना लो। इसको कैसे पता चलता है किडनी को कि आरबीसी कम है, जब जीएफआर होती है ना, जीएफआर में फिल्ट्रेशन, अगर आरबीसी ज्यादा होंगे तो जीएफआर बढ़ेगी, आया ना, आरबीसी ज्यादा तो इफरेंट से सही नहीं निकल पाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, आरबीसी थोड़े होंगे प्रेशर नहीं पड़ेगा, समझ आ रही है, इफरेंट बंद हो जाएगी ना आरबीसी, अगर आरबीसी ज्यादा है तो, अगर आरबीसी है ही नहीं आसानी से चले जाएंगे तो प्रेशर नहीं उतना बढ़ेगा, प्रेशर से आरबीसी का भी पता चलता है किडनी को कि आरबीसी कम हो गए हैं अभी, समझ आ रही है। चलो तो ये हार्मोन कहाँ जाता है, बोन मेरो में, बोन मेरो को कहता है भाई बनाओ,
आरबीसी बनाओ, फिर आरबीसी बनता है। एक और हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड से बनता है, क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। एल्डो मिनरलो कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, ये पढ़ाऊंगा डिटेल में। ये ऐसा हार्मोन है जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, किसी मतलब किडनी में काम करेगा। बताएं कौन सी जगह पे काम करेगा जहां से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, असेंडिंग में। अगर मैं पूछूं ओनली सोडियम की करवाएगा या साथ क्लोरीन और पोटेशियम भी, मगर होता सोडियम के लिए, जैसे आप कॉपी करवा, आपको कोई कॉपी करवाने आता है, कॉपी करके पास हुए हैं आप फर्स्ट ईयर, ये विंटर भी इंशाल्लाह कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम मैंने भी कॉपी की थी, कॉपी करने के बावजूद भी सी ग्रेड है मेरा अलहमदुल्ला, ठीक है। तो ये मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, सिस्टम ऐसा है हमारा कि जान छुड़ानी चाहिए मगर बहुत डिफिकल्ट है। हाँ मैं क्या कह रहा था, जैसे कॉपी करवाने कोई आता है आपको, आपको देता है और आप दोस्तों को भी कॉपी देते हैं, ऐसा ही है ना। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करवाने आता है और सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम को कहता है आओ हम साथ चलते हैं, ठीक है। तो को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सबको मिला के ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा ये और जगह भी काम करता है ये हार्मोन, कलेक्टिन डक्ट में, वहां से भी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, वाटर की भी यूरिया की भी, पर ये सोडियम के लिए है, समझ आ रही है। चौथा हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस से लिया गया है। डायूरेसिस मतलब यूरिन ज्यादा बने, यूरिन ज्यादा बने मतलब रीअब्सॉर्प्शन कम हो, रीअब्सॉर्प्शन कब होगी तभी यूरिन ज्यादा बनेगा ना। ये उसके क्या है, एंटी है, तो क्या करवाता है ये रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, यूरिन को कम करता है, ज्यादा यूरिन नहीं बनने देता। बताएं कब बनेगा, जब आप हाइड्रेटेड हो या डिहाइड्रेटेड हो, जब आपको पानी ना मिले, बड़ी प्यास लगी हो, एट दैट टाइम एडीएच आएगा, कलेक्टिंग डक्ट और डिसेंडिंग लिम्फ को कहेगा सारा पानी वापस ले लो भाई, समझ आ रही है। कलेक्टिंग डक्ट और डिसेंडिंग लिम्फ के एक्वा पोरन्स को ओपन करवाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के एक्वा पोरन्स को ओपन करवाएगा, ले जाओ भाई पानी कहाँ, मेडुला में, मेडुला से ब्लड में, नहीं जाना चाहिए किधर, कलेक्टिंग डक्ट से ब्लेडर में, यूरिन में, समझ आ रही है। तो ये यूरिन की क्वांटिटी को, यूरिन के अमाउंट को, यूरिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन मतलब साल्ट ज्यादा है, पानी कम हुआ तो साल्ट तो ज्यादा हो गए ना, समझ आ रही है। यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देता, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो, समझ आ रही है। चलो भाई रीडिंग कर लूं या कर लेंगे पक्का, चलो रीडिंग कर लेना, फिर मुझे दिखाना सर ये लाइन में मसला है, इस लाइन में मसला है, इस लाइन में मसला है, ठीक है। हाँ मैंने बताया था कि कैल्शियम मैग्नीशियम और HPO4 की रीअब्सॉर्प्शन PCT से 100% होती है, बताया था ना, कैल्शियम मैग्नीशियम की रीअब्सॉर्प्शन ओनली PCT से होती है 100%, क्लोरीन की भी होती है PCT से मतलब 50%, बाकी जो है बाकी क्लोरीन की कहाँ से, असेंडिंग से। चलो रीडिंग कर लेना, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बात रह गई होगी, मगर फिर भी लो भाई। कलम क्या पढ़ेंगे,